जहां पर जालना के सराठी अंतरबाली में मराठा आरक्षण को लेकर लाठीचार्ज की घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में इसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पिछले 8 दिनों से चल रही इस अनशन पर जरांगे पाटिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अनशन पर सरकार के शिष्टमंडल और कई सारे दिग्गज नेताओं ने दौरा कर उन्हें अनशन बंद करने की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ये अनशन लगातार जारी रहेगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने जालना के अंतरबाली सराठी में जाकर जरांगे पाटिल की तबीयत का भी जायजा लिया है। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें मिसिंग करने से मराठा आरक्षण लंबित हुआ है, ये बयान उन्होंने दिया है। आरोप किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलीलें चलनी चाहिए थी केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से, दोनों से वो पेश नहीं हो रही, इसलिए दोषी दोनों है ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे वो नहीं हुई और राज्य सरकार ने जो हाईकोर्ट का निर्णय मराठा समाज के साथ में था उसको अपील करने के लिए जो दलीलें देनी चाहिए थी वो दलीलें मिसिंग थी वहां पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या जहां ये पॉलिटिकल केसेस होती है राइट्स के कहीं लॉस नहीं है तो वो केसेस तुरंत विड्रॉ किया जाए, जो लॉस है उसकी उन्होंने कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे और उसको वो निर्णय लेना होता है कि इसको चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, मांग है लेकिन ये स्पेशल सेशन में ये डिस्कस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये स्पेशल सेशन बुलाया जो है वो किसी वन नेशन वन नहीं।